नमस्कार एमकेएन के खास प्रोग्राम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया जिसके चलते सभी पार्टियां सक्रिय हो जाती हैं और विकास कार्यों को लेकर कई वादे भी करती हैं और वादों के आधार पर जनता विश्वास के साथ वोट देती है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक बार जीतने के बाद पार्टी विकास को भूल जाती है। इसी के मद्देनजर जनमुद्दे में आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के सितारगंज की, जहां ग्रामीणों ने रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा दिया है। जहां गोठा के ग्रामीणों ने पहले तो वीरेंद्र नगर रोड पर धरना दिया, उसके बाद एसडीएम कार्यालय गेट पर जाकर धरने पर बैठ गए। इस दौरान पूर्व विधायक नारायण पाल सहित आम आदमी पार्टी के प्रभारी अजय जायसवाल भी ग्रामीणों की मांग को जायज ठहराते हुए उनके समर्थन में उनके साथ धरने में शामिल रहे। ग्रामीणों ने एसडीएम से मुलाकात करते हुए अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। ग्रामीणों का कहना है कि सालों से वह लोका गोठा गांव में निवास करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक गांव को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिला। कुछ भूमि वन विभाग के होने के चलते उन्हें मूलभूत सुविधाएं भी नहीं मिल पाती और आवास से लेकर गाँव का पक्का रोड आज तक नहीं बन पाया। बता दें कि इससे पहले भी पूर्व में कई बार उनके द्वारा इन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा चुका है, लेकिन कभी कोई सुनवाई नहीं हुई। यहां तक कि राजनीतिक पार्टियों के लोग वोट के समय गांव को राजस्व गांव घोषित करवाकर योजनाओं का लाभ दिलवाने का वादा तो करते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद कोई भी इस गाँव की तरफ ध्यान नहीं देता। मूलभूत सुविधाओं की कमी होने के चलते ग्रामीणों को भारी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। उनकी एसडीएम से मांग है कि जल्द समस्याओं का समाधान हो और अगर नहीं हुआ तो इस बार चुनाव का बहिष्कार भी किया जाएगा और जब तक रोड नहीं बनती तब तक वोट नहीं देंगे। वहीं एसडीएम तुषार सैनी ने भी ग्रामीणों को जल्द उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के सितारगंज के अंतर्गत आने वाले ऐसे क्षेत्र की, जहां पर लगातार जो ग्रामीण हैं वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। और आज आपको बता दें कि ये मुद्दा इसलिए भी स्पेशल हो जाता है क्योंकि चुनाव नजदीक है उत्तराखंड में और उत्तराखंड में चुनाव नजदीक आते आते कई पार्टियां सक्रिय होती नजर आ रही है। लेकिन अफसोस कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पर विकास कार्य आज भी संभव नजर नहीं आ रहा है। हमारे साथ संवाददाता जगपाल सिंह जुड़ चुके हैं। जगपाल जी, क्या कुछ लगता है आपको मामले को लेकर? जिस तरह से उत्तराखंड में अब चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, लेकिन ऐसे ही समय में अगर कई ऐसी पार्टियां सक्रिय होती नजर आती हैं तो विकास कार्य आज भी अछूते नजर आते हैं। क्या कुछ कहना है ग्रामीणों का इस मामले में? जी बता दूं कि ग्रामीणों का साफ तौर पे जो कहना है लोका गोठा के ग्रामीणों का कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं वैसे वैसे नेता वोट मांगने के लिए तो ग्रामीण क्षेत्रों में आने लग जाते हैं, लेकिन अगर कहीं बात करें विकास की तो विकास के नाम पर वादे जुमले बहुत किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म होता है उसके बाद में कोई भी नेता या कोई भी अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देता है। बात करें अगर लोका गोठा गाँव की तो लोका गोठा गाँव लगभग पिछले 40 वर्षों से वन विभाग की भूमि पर, इसके आसपास की भूमि पर और वन विभाग की भूमि पर काबिज है, जिसपे मालिकाना हक लेकर तभी से ही प्रयासरत है, लेकिन आज तक उसको मालिकाना हक राजस्व ग्राम घोषित नहीं किया गया है, जिसकी वजह से वहाँ ना तो रोड बन पाती है ना स्कूल बन पाते हैं, बच्चों को पढ़ाई के लिए दूर दूर तक जाना पड़ता है, रोड की व्यवस्था ना होने बरसात के मौसम में कई कई महीने वहाँ जल भराव रहता है, तो उसके चक्कर में भारी परेशानियों का सामना जो है वहाँ के लोगों का करना पड़ता है। और समय समय पर ग्रामीणों द्वारा प्रदर्शन भी किए जाते हैं, अपनी मांगे जो उसके अधिकारियों को बताई भी जाती है, लेकिन सुनवाई के नाम पर कोई जो वहां नहीं किया जाता। जी जगपाल, ये बताइए कि ये जो क्षेत्र है वो कब बसा, क्योंकि इतना लंबा समय बीत चुका है, राजस्व का दर्जा भी इसे प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके चलते विकास कार्यों से आज भी यहाँ के ग्रामीण अछूते हैं। जी इस गाँव को बसे हुए लगभग 40 साल हो चुके हैं, 40 साल पूर्व में ये गाँव जो है यहाँ पे बसाया गया था और ये वन विभाग के साथ साथ इसमें जो जल डैम की जमीन भी आती है, लेकिन उस मौसम इनकी जमीनें तो एक्वायर कर ली गई पासपोर्ट में, लेकिन इनको यहाँ बसाने के बाद में इनको राजस्व का दर्जा नहीं दिया गया। तब से लेके ये लोग राजस्व को लेकर लगातार मांग करते आ रहे हैं, चाहे वो हरीश रावत जी का समय रहा हो, चाहे वो मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का समय रहा हो, और उससे पूर्व में भी कई बार लगातार इनके द्वारा जो मांगे हैं राजस्व ग्राम को लेकर की जाती है, लेकिन
जहां भी वोट लेने के लिए तो नेता आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद में कोई भी नेता इस ओर ध्यान नहीं देता है। जी जगपाल, ये बताइए कि यहाँ पर जो गांव है वो तो ठीक है, वहाँ पे समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार यहाँ पर जिस तरीके से चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कई राजनीतिक पार्टियां भी यहाँ पर सक्रिय होती हुई नजर आती होंगी, आखिर किस आधार पर यहाँ पर वोट दे जनता, क्योंकि जनता ने भी अब रोड नहीं वोट नहीं का नारा दिया है। जनता का साफ तौर पर यहाँ पे कहना है कि इस बार जो है जनता जागरूक हो चुकी है और जनता का साफ जो मांग है कि अगर हमारी मांगे जो है, हमारे गांव को राजस्व ग्राम का दर्जा जब तक नहीं दिया जाता तब तक किसी भी पार्टी किसी भी राजनीतिक दल को यहां पे घुसने नहीं दिया जाएगा और ना ही इनको वोट दी जाएगी। पूर्ण रूप से चुनाव का जो है यहां की जनता ने बहिष्कार करने का मन बना लिया है। जी जगपाल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। हमारे साथ ग्रामीण सत्येंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। धन्यवाद मैडम। जी सत्येंद्र जी, बताइए सबसे पहले तो यहाँ पर जिस तरीके से लोका गोठा गांव में तमाम समस्याओं से अछूते नजर आ रहे हैं यहाँ पर तमाम ग्रामीण, तो क्या कुछ कहना है आपका कि किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मुख्य रूप से राजनेताओं के बारे में बताइए कि क्या वहाँ पे पार्टी सक्रिय नजर आ रही है चुनाव के मद्देनजर? देखिए मैडम, ये तो आप सबको पता ही है, बरसाती मेढक है, समय आने पर सब लोग सबका अपना अपना मुद्दा है। ये सब लोग कोरोना लॉकडाउन में कोई नहीं दिखा होगा, आप सबको जानकारी होगा जी। ये तो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सभी लोग सबको सपोर्ट करते ही हैं, चलिए कोई वक्त आ गया तो इसलिए इन्होंने ये सब किया है, लेकिन उससे पहले कोई राजनीतिक पार्टी, देखिए मैडम 70 वर्ष हो गया इस लौका गोठा को बसे हुए पूर्वांचल समाज के लोगों को, लेकिन आज 70 वर्षों तक इन्होंने जो है किसी राजनीतिक पार्टी ने ये ग्राम सभा लौका गोठा और पूर्व सवान के लोगों को किसी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि उपेक्षा ही इनकी हुई है आज तक। इस उपेक्षा का नतीजा है, इन राजनीतिक पार्टियों का नतीजा ही है कि हम लोग आज बेनतीजा हुए हैं, हम लोग आज जलील हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, हमारा शोषण हो रहा है मैडम। जी सत्येंद्र जी, ये बताइए कि जिस तरीके से लगातार यहाँ पर आपने बताया कि 70 साल बहुत लंबा समय हो जाता है, और इतने समय तक भी अगर विकास कार्य यहाँ पर अछूते नजर आ रहे हैं, क्या लगता है वोट के आधार पर सिर्फ राजनेता यहाँ पर जनता से विकास का वादा करते हैं लेकिन उन्हें पूरा करते हुए नजर नहीं आते? नहीं मैडम, देखिए इनसे ये सब अपनी अपनी रोटी सेकते हैं, सब हमारा वोट लेकर के हमको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। राजनीतिक ये लोकतंत्र का नाम लेकर के ना, जो लोकतंत्र का नाम कि भाई लोकतंत्र है, लेकिन असल में लोकतंत्र कहता है कि भाई जनता राजा होती है, जनता की समस्याएं सुननी चाहिए सरकार को और जनता की सरकार होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जनता की जो लोकतंत्र इन नेताओं ने जो बना रखा है, इनका जो प्रोपेगंडा है वो सिर्फ ये है कि जनता बेवकूफ है और राजा जो है वो राजा ये लोग हैं जिनको हम चुन करके राजगद्दी पर बिठा दे रहे हैं। जी सत्येंद्र जी, दुखद है, बहुत दुखद है कि 70 साल बाद भी राजस्व का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ, दूसरी बात ये कि यहाँ पर विकास कार्य आज भी अछूते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि विकास के वादे तो करते नजर आते हैं लेकिन चुनावी मेंढक सिर्फ चुनावी समय में ही नजर आते हैं। इसी के चलते आपको सुनाते हैं ग्रामीण और उन एसडीएम की बाइट, जिनके चलते उन्होंने विकास के वादे किए और आश्वासन भी दिया कि यहाँ पर तमाम जो विकास के कार्य हैं वो किए जाएंगे। 15 दिन पहले हमने सर एक एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन भेजा था मुख्यमंत्री जी को आने को कि सितारगंज के अंदर एक ग्राम सभा है गोठा लौका, तकरीबन 42 साल की आयु मेरी भी हो चुकी है, मैं देख रहा हूँ 65 साल की हमारे पिताजी बुजुर्ग हो चुके हैं, हम जिन ज़मीनों का मालिकाना हक मांग रहे हैं, आज देखिए हर जगह मालिकाना हक मिल रहा है ज़मीनों का, राजस्व ग्राम घोषित किए जा रहे हैं, हमें रोड से भी वंचित रखा जा रहा है, ज़मीनों से भी वंचित रखा जा रहा है, यहाँ तक कि इंदिरा आवास से भी वंचित रखा जा रहा है। तो हमारे एक बीच के ही हमारे सम्मानित सत्येंद्र कुमार जी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाई, उन्होंने अपना हक मांगा कि हमारा आवास कहाँ है। माननीय मुख्यमंत्री बहुगुणा जी, आपने आश्वासन दिया था कि कच्चे आवास मिलेंगे आपको, कच्चे का मतलब लेंटर नहीं पड़ सकता, तो ठीक है आप टीन डाल के दे दीजिए। इन चीज़ों की डिमांड जो थी वहाँ से एक बहुत बढ़िया कारवां उठा और आज उन चीज़ों की डिमांड चल रही है कि हम भी इस देश के अंदर रह रहे हैं, हम भी उत्तराखंड के अंदर रह रहे हैं। मोदी जी, आपका नारा है डिजिटल इंडिया बनाने का, लेकिन कभी गोठा में आकर देखिए कि गोठा की दशा क्या है। आज 13 तारीख को जो हमने रैली निकाली थी और जो हमने मांग रखी थी, उस मांग के क्रम में ही हम लोग आए हुए हैं कि हमने 15 दिन का वक्त दिया था प्रशासन को कि आप 15 दिन में लौका गोठा पर विचार करें, 15 दिन में लौका गोठा पर विचार करें माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन 15 क्या 20 दिन हो गया कोई विचार इस पर नहीं हुआ, इसलिए हम फिर दोबारा आए हुए हैं कि भाई आज हमारे लिए क्या प्लान है आपके लिए। आज तक जब तक हमको संतोषजनक कोई बयान नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ जाने वाले नहीं हैं। आज मैं अभी यहाँ चाहूँगा कि दुर्दशा देखिए हम लोगों की, आज से नहीं 50 सालों से यहाँ बैठे हुए हैं लोग, 50 साल से बैठे हुए हैं,
आज आप जाके गांव में देखेंगे गांव की स्थिति क्या है, आपको समझ में आएगा कि किस लिए बैठे हैं यहाँ पर। आज अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए, मूलभूत समस्याओं के लिए बैठे हुए 50 साल बाद जहाँ हमारे यहाँ मुख्यमंत्री रहे, हमारे यहाँ के कितने बड़े लोग रहे, हमारे हमने इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री दिया है यहाँ पर, उसके बावजूद आज वही के वही हैं हम लोग। आज स्थिति इतनी ख़राब है हम लोगों की, बच्चे स्कूल से घर से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और जो वहाँ की आवास की समस्या, हर मतलब मूलभूत समस्या जैसे कहेंगे वो समस्या है, उस समस्या को देखने वाला नहीं आज तक। कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी इनको देखेगा तो कहेगा ये मांग इनकी न्यायोचित है। अगर न्यायोचित है तो हो क्यों नहीं रही हैं, तो हो क्यों नहीं रही हैं। आवास की आवश्यकता है, पूरे उत्तराखंड में देखो, सरकार ये भूमि देरी का अधिकार दे रही है और तमाम ज़मीनों की विसंगतियाँ ख़त्म कर रही है, तमाम चीज़ें कर रही है, तो यहाँ का नंबर क्यों, यहाँ का इसलिए नहीं आ रहा है कि दलित और पिछड़े समाज के लोगों से यहाँ का विधायक जो है बिल्कुल खुंदक रखता है। ग्रामीण लोग, अभी उनसे मैंने मुलाकात की है, उसमें से जो अधिकतर जो मुद्दे हैं जैसे कि आवास का मुद्दा है और जो माली भूमि धरी का अधिकार दिए जाने का मुद्दा है, वो उच्च स्तर से संबंधित मुद्दे हैं। इनकी जो मांगे हैं उनको हम उच्च स्तर पर जल्दी से जल्दी पहुंचा देंगे और हमें उम्मीद है कि इसमें जो है कार्रवाई जल्दी होके सभी को राहत मिलेगी। और जहां तक रोड का मैटर है तो मैंने आश्वासन दिया है कि मैं स्वयं जाके इसमें रोड का निरीक्षण करूँगा और जो भी संबंधित विभाग हैं उनको उसी क्रम में आदेश दिया जाएगा। जनमुद्दे में आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड के सितारगंज के अंतर्गत आने वाले लोठा गोठा गांव की, जहां पर लगातार जो ग्रामीण हैं वो मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। उत्तराखंड में लगातार चुनाव जिस तरीके से नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टियां सक्रिय होती भी नजर आ रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन विकास के आधार पर अगर विकास संभव नहीं हो पाता तो ग्रामीण किससे गुहार लगाएंगे। अब समय ऐसा आ गया है कि ग्रामीणों ने यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार किया है, चुनावी रणनीति जिस तरीके से सभी पार्टियां अपनाती हुई नजर आ रही है, तो जगह जगह क्षेत्र में जाकर जनता के बीच समन्वय भी स्थापित करती नजर आ रही है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक ग्रामीण क्षेत्र ऐसा भी है जहां पर राजनीतिक पार्टियों का सक्रियता जो है वो कम होती नजर आ रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं लोका गोठा गांव की, जहां पर निवास करते तमाम जो लोग हैं वो राजस्व की तमाम मूलभूत जो योजना है उनसे वंचित नजर आ रहे हैं। हमारे साथ तुषार सैनी एसडीएम जुड़ चुके हैं। सैनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। थैंक यू जी, क्या कुछ कहेंगे, ग्रामीणों की समस्याएं तो अनेक है लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है, आखिर क्या कुछ कमी देखी जा रही है विकास के चलते? देखिए, कल जो है ग्रामीणों ने अवगत कराया था अपनी समस्या से जी, इसमें मैंने जो है इनसे बात करके इनको एक निर्धारित जो है तिथि भी दे दी है, इसमें मैं स्वयं जाके जो है पूरा मुआयना करूंगा और जो भी समस्या होंगी कोशिश करेंगे जो ऑन स्पॉट हम सोल्व कर पाए उसको हम वहीं पे सोल्व करेंगे, और जो वहाँ पे सोल्व नहीं हो पाएंगी उनको हम सक्षम स्तर पर उनको प्रेषित करेंगे। जी सैनी जी, एक सवाल और, 70 साल का समय बीत चुका है, राजस्व का दर्जा भी यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर निवास करते हैं लोका गोठा गांव वहाँ पर उसे अभी तक नहीं मिला है, आखिर क्या यहाँ पर कमी देखी जा रही है जिसके चलते यहाँ पर जो राजस्व की सुविधाएं हैं वो तो नहीं मिल रही हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर अब ग्रामीण क्षेत्र राजस्व का दर्जा प्राप्त करने के लिए भी जद्दोजहद कर रहा है। नहीं देखिए, जो राजस्व विभाग की जो आप कह रहे हैं उससे तो हम जो भी योजनाएं हैं उनसे ये जो है लोग लाभान्वित हैं। जहाँ तक राजस्व ग्राम के दर्जे का सवाल है, उसकी कल जो है ग्रामीणों ने अवगत कराया था, इसकी जो हम पूरी रिपोर्ट बना के सक्षम स्तर पर प्रेषित करेंगे और पूरी जल्दी से इसका सोल्यूशन हो जाएगा। सैनी जी, कब तक होगा समाधान? समाधान कब तक होगा ये पूरी आशा है कि जल्द से जल्द इसका जो है समाधान हो जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें हमारे साथ एसडीएम तुषार सैनी जुड़े हुए थे, जिनका साफ साफ कहना है कि समस्या तो है लेकिन समाधान भी होगा, और तमाम आश्वासन के आधार पर यहां पर एसडीएम ने ग्रामीणों को जल्द ही उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया है। लेकिन क्या आश्वासन के आधार पर विकास कार्य संभव है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि राजस्व गांव उस गांव को घोषित किया जाता है जो लंबे समय से अपने ग्रामीण क्षेत्रों की मूलभूत सुविधाओं से वंचित होता है, और उसके बाद विकास की ओर अग्रसर वो राजनेता जो यहाँ पर तमाम
जनता के वोट के आधार पर जीत दर्ज करते हैं, बावजूद इसके उन जनता को ही जीत के बाद भूलते हुए नजर आते हैं। इसी के चलते यहाँ पर तमाम ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं, रहवासी हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया और धरने पर बैठ गए। ये तक ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे और आश्वासन के आधार पर हम यहाँ से नहीं जाने वाले, क्योंकि तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाएं और ऐसी समस्या है जिसके चलते पिछले 70 साल से लोका गोठा राजस्व के लोग जो हैं वो अब जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। कई स्लोगन भी यहां पर ग्रामीण लेकर पहुंचे हैं और राजस्व का दर्जा प्राप्त करने के लिए यहां पर जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। सड़क से लेकर पानी से लेकर तमाम ऐसी मूलभूत सुविधाएं जिसके चलते हर ग्रामीण का हक होता है उन्हें पाना, योजनाएं, एक ऐसी योजनाएं जिसके चलते यहाँ तमाम ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की ओर अग्रसर ले जाते हैं। लेकिन अग्रसर तो तब हमारा देश बढ़ेगा जब यहाँ पर विकास होंगे। हमारे साथ ग्रामीण सतवंत सिंह जुड़ चुके हैं। सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमकेएन में। सिंह साहब, क्या कुछ कहेंगे? समस्याएं तो अनेक है लेकिन समाधान नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, खुलकर बताइए। ग्रामीण के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका हमें यहाँ मुकाबला करना पड़ रहा है। डॉक्टर ये मोदी जी की जो है नीति कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बना देंगे, आज लोग इनकी जो करने की इनकी क्षमता है, जो करना चाहते थे वो उन्होंने किया नहीं। ये सिर्फ दुनिया को लॉलीपॉप देकर, लोगों को आश्वासन झूठे देकर लोगों को, और इन्होंने जैसे भी सत्ता प्राप्त की, आज ग्रामीणों के इतने बुरे हालात हैं। आज दिन हम धरना दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम डिजिटल इंडिया बना देंगे। आज गांव के अंदर कहीं रोड नहीं है, जिसको लेकर कल ही हमने धरना दिया है। एक बहुत ही अति पिछड़ा गांव है, राजस्व ग्राम की हम मांग कर रहे हैं। हम 7 साल से हम लोग वहां बैठे हुए हैं, तो नाम है राजस्व ग्राम मिल रहा है, राजस्व का हक, जो हमें जमीनों का हक मिलना चाहिए वो मिल रहा है, रास्ते नहीं है, इंदिरा आवास की हम डिमांड कर रहे हैं। तो ये सरकार जो है गहरी हो चुकी है, बिल्कुल सुनने के नाम पर कोई चीज है ही नहीं इनके पास। सतवंत जी, बहुत सारी जी क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है यहाँ पर तमाम नेताओं द्वारा, और जब एसडीएम से बात की गई इस बारे में, क्योंकि धरना प्रदर्शन के लिए काफी लोग वहाँ पर पहुंचे थे, क्या कुछ यहाँ पर आश्वासन के आधार पर कहा गया एसडीएम द्वारा? एसडीएम को हमने आज से 15 दिन पहले ज्ञापन दिया था, लेकिन उस ज्ञापन को कोई भी संज्ञान में नहीं लिया गया। अब दोबारा हमें फिर आश्वासन दिया गया 18 तारीख को एक बैठक खुली बुलाने की, दिल्ली बैठक बुलाने का हमें आश्वासन दिया गया, जिसमें तहसीलदार वगैरह जो भी जितने अधिकारी हैं वो सब बिठाने की हमने यही मांग की है कि उसमें बड़ा अधिकारी होना चाहिए, जिला लेवल का डीएम साहब जरूर होने चाहिए उसके अंदर। तो हम अपनी जो है, हमारी मांगे क्या है, हमारी समस्याएं क्या है, वो हम रखते हैं वहाँ जी। सतवंत जी, लगता है आपको कि आश्वासन के आधार पर वाकई में एसडीएम यहाँ पर कार्रवाई करेंगे? देखिए, अगर नहीं करते हैं तो कोई नहीं, हम 18 तारीख तक वेट करेंगे, उसके बाद वेट नहीं करेंगे। हम चाहे हमें तो रोडें जाम करनी पड़े, जो भी हम अपना हक लेना कर जानते हैं, जिस तरीके से किसान रोडों पर बैठे हैं फिर हमें भी बैठना पड़ेगा। हम भी किसान हैं, किसानों, हम उन किसानों के भी साथ हैं और अपनी मांगे मनाने के लिए फिर हम अच्छी तरह जानते हैं जी। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से बीजेपी पार्टी लगातार चुनावी रणनीति अपनाती हुई नजर आती है, क्या वाकई में यहाँ पर पार्टी के नेताओं की गलती, या फिर वो जनप्रतिनिधि जो विकास के वादे तो करते हैं लेकिन यहाँ पर नजर कुछ नहीं आता है, गलती यहाँ पर किसकी नजर आ रही? क्योंकि सर, एक ही पार्टी के नेता अगर जगह जगह विकास के वादे करते तो जरूरी नहीं है कि पार्टी की ही गलती हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर भ्रष्टाचार करते नजर आते हैं। जी 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 जी, फिलहाल तो देखिए, जो हमारा जो अधिकार था, हमने जिनको वोट दिया, हम तो नहीं कह सकते, 10 साल से बीजेपी सरकार है, बिल्कुल 10 साल से बीजेपी का विधायक है हमारे यहाँ क्षेत्र के अंदर, तो वो सिर्फ खोखले वादे कर रहे हैं। विकास के नाम पर किसी का गेट बनवा देना, क्या इसी को विकास कहते हैं? तो अब ये ऐसी ऐसी चीजें बना रहे हैं, जैसे बारात घर बना दिए, बारात घरों के अंदर लास्ट में क्या है, आज पशु बांध रखे हैं लोगों ने, तो जो मेन सुविधा जड़ से जो काम होता है वो काम नहीं कर रहे हैं। ये लोगों को झूठे आश्वासन देकर, झूठे लॉलीपॉप देकर, लोगों को बहकाकर, धड़ेबाजियां बनाकर, गुटबाजियां बनाकर, गांव के अंदर हर जगह, गांव में, शहरों में इन्होंने इतनी धड़ेबाजियां खड़ी कर दी कि आज एक परिवार में भी आप आपस में नहीं बन पा रहे जी। अगर विकास नहीं हुआ तो क्या वोट का यहाँ पर बहिष्कार किया जाएगा? जी, अगर विकास नहीं होता है तो आने वाले 2022 के अंदर हमें सोचना पड़ेगा। अगर सरकार कुछ करती है तो ठीक है, अगर नहीं करती है, हमारी नहीं सुनवाई होती है, तो हम एक पैनल बैठाकर अपनी बात करेंगे, बात करके उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है 2022।
सिंह साहब, आपकी आवाज प्रशासन तक पहुंचे, आपकी समस्याओं का समाधान उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें समस्या अनेक है लेकिन समाधान नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ आपको बता दें कि आश्वासन भी यहां पर दिए जा रहे हैं। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि 18 तारीख का अल्टीमेटम जिस तरीके से एसडीएम द्वारा दिया गया है, क्या उस अल्टीमेटम के आधार पर धरातल पर विकास उतर कर आएगा या फिर यूं ही इस तरीके से यहां पर तमाम जो ग्रामीण लोग हैं वो चुनाव का बहिष्कार करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि यहां पर ग्रामीणों का साफ साफ कहना है कि अगर हमें हमारी मांगों पर यहां पर विचार नहीं किया जाता और मांगे पूरी नहीं की जाती, विकास की कई ऐसी योजनाएं जिसके चलते ग्रामीण आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। 70 साल बहुत लंबा समय हो जाता है 70 साल का, लेकिन बावजूद इसके अगर राजस्व का दर्जा इस ग्रामीण क्षेत्र को नहीं मिलता है तो सोचने वाली बात है कि उत्तराखंड में आखिरकार ऐसा गाँव विकास के कोसों दूर यहां बसा हुआ है, लेकिन किसी भी जनप्रतिनिधि को इस बात की कोई सुध नहीं है। वहीं एसडीएम की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है 18 तारीख का इंतजार यहां पर तमाम ग्रामीण करते हुए नजर आएंगे। अगर 18 तारीख के बाद भी यहां पर तमाम विकास के वादे जो है पूरे नहीं किए गए तो उसके बाद यहां पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा और चुनाव का बहिष्कार करने की बात तो पहले ही ग्रामीण कह चुके हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वोट लेने के समय गाँव में दस्तक तो देती है, लेकिन वोट जैसे ही मिलता है, जीत जैसे ही दर्ज होती है किसी भी पार्टी की, तो वो यहाँ पर दोबारा दस्तक देती नजर नहीं आती है। 10 साल से यहाँ पर बीजेपी के विधायक हैं, बावजूद इसके यहाँ पर विकास से कोसों दूर है लोका गोठा गांव। और एसडीएम ने तो दी है आश्वासन दिया है, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ग्रामीणों की मांग है, हम आपको बताते हैं ग्रामीणों ने क्या कुछ मांगे यहाँ पर तमाम जो प्रशासन के अधिकारी और जनप्रतिनिधि हैं उनके सामने रखे। उनका कहना है कि रोड नहीं है, रोड के अलावा यहाँ पे पानी की समस्या का भी सामना करना पड़ता है और तमाम जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, योजनाएं होती हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में मूल रूप से बनाई जाती है, क्योंकि शहरी क्षेत्र के लोगों को परेशानी नहीं होती, लेकिन हाँ अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो पानी से लेकर सड़क से हमेशा से ग्रामीण वंचित नजर आते हैं। बावजूद इसके यहाँ पर तमाम जो विधायक, जनप्रतिनिधि, सरपंच, सचिव है वो इस ओर ध्यान नहीं देते। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार अगर यहां पर आती है तो कई विकास के कार्य अछूते हो जाते हैं, लेकिन हाँ जो जनप्रतिनिधि और सरपंच सचिव यहां पर काम करते नजर आते हैं वो विकास को पलीता जरूर लगा रहे हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है कि एक गांव ऐसा भी है कि 70 साल बाद भी आज तक यहां पर राजस्व का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आश्वासन के आधार पर तो विकास नहीं होगा, काम करना होगा, विकास करना होगा, तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें यहाँ पर दौरा देना होगा और तमाम जो जनता है उनसे भी सामंजस्य स्थापित करते हुए तमाम समस्याओं का समाधान भी करना होगा। सिर्फ हम खड़े हो पाएंगे, अपनी तो जनमुद्दे में आज हमने बात की लोका गोठा गांव की, जो एक ऐसा ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर आज भी यानी कि 70 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं यहां के ग्रामीण। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक हैं, सभी पार्टियां सक्रिय हो चुकी हैं, तो अब सवाल ये उठता है क्या यहां पर भी विकास असंभव है, क्योंकि ग्रामीणों ने तो साफ कह दिया है कि अगर यहां पर रोड नहीं तो वोट नहीं, और वोट का बहिष्कार यहां पर फिलहाल 8 तारीख तक तो कर दिया है, क्योंकि यहां पर 8 से 18 तारीख तक की बात करें तो ग्रामीणों का कहना है कि 18 तारीख तक अल्टीमेटम हमें एसडीएम द्वारा दिया गया है जिसके माध्यम से तमाम जो सुविधाएं हैं वो हमें दी जाएंगी, लेकिन बावजूद इसके अगर यहां पर आश्वासन के आधार पर विकास नहीं हुआ तो धरना प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। और क्या कुछ रुख अपनाते हैं ग्रामीण, पल पल की खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए एमकेएन के साथ, नमस्कार।